अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस की थ्योरी की तैयारी के सिलसिले में हमारे सवालात का सिलसिला जारी है। आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो टॉपिक थीमा नंबर 6 है और इसके अंदर कुल 168 क्वेश्चन हैं। याद रहे कि ये तमाम थ्योरी जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस की थ्योरी की तैयारी में हमें तावुन हासिल है जर्मनी की मशहूर और मरूफ फार्शुल कार्ड ऐप का। हम उनका शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमसे तावुन किया है और हर मौके पर हमारी रहनुमाई की है। तो आज हम लोग अपने सिलसिले को जारी रखते हुए थीमा नंबर 6 करंट ट्रैफिक साइंस, ट्रैफिक फैसिलिटीज़ और लेवल क्रॉसिंग्स होंगी, इसको कवर करेंगे। इसमें कुल मिलाकर 168 सवाल हैं और हम तकरीबन 6 वीडियो 30-30 सवालों की इसकी वीडियोस बनाएंगे। तो चलें हम सिलसिला अपना शुरू करते हैं। पहला सवाल है, व्हाट डज दिस ट्रैफिक साइन कॉम्बिनेशन इंडिकेट। या आपके पास ट्रैफिक साइन का एक कॉम्बिनेशन है, इसका क्या मतलब है? एक बार जहन में रखिए, मैं आपको कुछ टिप्स दे दूंगा शुरू में ही। एक अगर सुर्ख रंग का ट्राइंगल हो तो वो खतरे की अलामत है और जो चीज़ उसके अंदर होगी आपको उस चीज़ से खतरा है। तो ये थोड़ी आपको एहतियात बरतनी, जब भी आप ड्राइविंग कर रहे हैं आपने कोई भी लाल ट्राइंगल देखा तो आपने सीधा लाल ट्राइंगल, उल्टे में आमतौर पर अगर आपने हमारे पिछले टॉपिक देखे हो तो वो फोर फाट का होता है, फोर फाट गिवेरन, आपने उसमें स्टॉप होना होता है। तो यहाँ पर क्या है, एक तो एक एक्स्ट्रा साइन भी है, 10 किलोमीटर पर आवर आप इसको समझ सकते हैं। तो इस साइन का मतलब ये है कि ये एक रेल क्रॉसिंग है, रेल से जाहिर है कि हमें रेल से खतरा है, एक रेल क्रॉसिंग है ओवर विच रेल ट्रैफिक में पास एट मैक्सिमम स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। रेल ट्रैफिक 10 किलोमीटर पर आवर पर तो ट्रैवल करती ही नहीं है, रेल ट्रैफिक की रफ्तार तकरीबन 180-200 किलोमीटर पर आवर बल्कि कई गुना होती है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता लेकिन काफ़ी 10 किलोमीटर पर आवर बहरहाल नहीं होती। यहाँ विच आई मे अप्रोच एट मैक्सिमम स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, मैं इस रेल क्रॉसिंग को एक तो यहाँ से आपने देखा रेल क्रॉसिंग है, नीचे आपने देखा 10 की स्पीड है, तो मैं रेल क्रॉसिंग की जानब जा रहा हूँ तो मुझे अपनी स्पीड बहुत कम करनी है क्योंकि मुझे रुकने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो 10 किलोमीटर पर आवर मुझे अपनी स्पीड करनी होगी, या फिर विच आई मे क्रॉस एट ए मैक्सिमम स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, कि वो रेलवे की लाइन को मैं मैक्सिमम 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर क्रॉस कर सकता हूँ। यही दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। रेलवे ट्रैफिक की स्पीड मैक्सिमम स्पीड कभी भी 10 किलोमीटर पर आवर नहीं हो सकती, तो ये इसका आंसर बहरहाल नहीं है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की जाने। ये सवाल है, व्हाट डू यू डू व्हेन यू सी दिस ट्रैफिक साइन। ये शायद आपको याद हो, राइट ऑफ द वे, जिसमें हमने रेस्ट फॉर लिंक्स का सवालत भी किए थे, उसमें हमने देखा था कि ये साइन नॉर्मली आपको बताता है कि आपके दाएं जानिब से या आपकी बाएं जानिब से कोई रोड आ रहा है जो कि काफ़ी पतला है और वो इतना पतला है कि आप उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि शायद ये रोड है ही नहीं। तो ये साइन उन जगहों पर लगाया जाता है जहाँ पर आपको ख़ास एहतियात करनी है क्योंकि वहाँ पर कोई ट्रैफिक साइन नहीं है, तो राइट बिफोर लेफ्ट, रेस्ट फॉर लिंक्स का रूल अप्लाई होगा। तो इस साइन का मतलब क्या है, आपको अपनी स्पीड कम कर लेनी है और बी रेडी टू ब्रेक, क्योंकि सीधे हाथ से कोई पतला सा रोड आ रहा है, अगर आपने उसको इग्नोर किया तो हो सकता है कि वहाँ से कोई गाड़ी आके आपसे टकरा जाए, इसलिए आपने अपनी रफ्तार को भी कम करना है और बिल्कुल आपने तैयार रहना है ब्रेक रहने के लिए। ऑब्जर्व द ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम द राइट ओनली, नहीं, ट्रैफिक राइट से भी आ सकती है, वो पतला रोड लेफ्ट से भी हो सकता है, आपके सामने से भी आ सकता है, आपने हर जानिब से उसको अपनी निगाह में रखना है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे सवाल की जानिब। तीसरा सवाल ये है, व्हाट शुड यू रिमेंबर व्हेन यू सी दिस ट्रैफिक साइन। देखिए, आपने हमेशा अपने उल्टे हाथ से शुरू करना है यहाँ से, तो ये देखें ये जा रहा है 10% नीचे की जानिब, मतलब एक ढलवान है, एक सड़क है, एक तो ये रेड ट्राइंगल आ गया खतरे की अलामत। क्या खतरा है यहाँ पर, एक रोड है जो कि ढलवान की सूरत में नीचे जा रहा है। द ब्रेक्स बिकम मोर एफिशियंट वेन नो गियर इज सेलेक्टेड। हमें इस यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रहा कि अगर आप कोई गियर सेलेक्ट ना करें तो ब्रेक बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे, डाउन हिल जाते हुए ब्रेक मोर एफिशियंट नहीं हो सकते अगर आपने कोई गियर सेलेक्ट किया ना हो, ये बहरहाल इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। द ब्रेक्स मे बिकम लेस एफिशियंट विद प्रोलोंग यूज़। ये हो सकता है कि आप नीचे की जानिब जा रहे हैं, आप मुसलसल ब्रेक लगा रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं ताकि स्पीड को अपने कंट्रोल में कर सकें, तो ब्रेक गर्म हो जाए, हो सकता है वो ब्रेक किसी काम का ना रहे। द ब्रेक मे बिकम लेस एफिशिएंट, वो उसकी जो
जो उसकी जो कारकर्दगी है ब्रेक की, वो गर्म होने की वजह से, हीटिंग की वजह से कम हो जाए। तो द ब्रेक मे बिकम लेस एफिशिएंट विथ प्रोलोंग यूज़। मुसलसल आप यूज़ कर रहे हैं, आप स्लोप से नीचे जा रहे हैं, आप ब्रेक यूज़ कर रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं, तो ये बड़ा मुमकिन है कि वो ज़्यादा यूज़ करने की वजह से ब्रेक लेस एफिशिएंट हो जाए, गर्म हो जाए, तो अपनी मुकम्मल कारकर्दगी ना दिखा सके। ब्रेकिंग डिस्टेंस इज़ ग्रेटर ऑन डाउन हिल स्लोप देन ऑन लेवल ग्राउंड। ये बात भी वाजह है कि चूंकि आप नीचे की जानब जा रहे हैं, यहाँ से देखिएगा उल्टे हाथ से शुरू होते हैं, आप नीचे की जानब जा रहे हैं, तो यकीनन ब्रेकिंग डिस्टेंस, अगर आप ब्रेक लगाएंगे तो आपको ज़्यादा ब्रेक लगानी पड़ेगी, ब्रेकिंग डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, क्योंकि आपकी गाड़ी ऑलरेडी एक उसने अपने मोमेंटम पकड़ा हुआ है, वो नीचे की जानब जा रही है तेज़ी से, तो ब्रेक लगाने में आपको थोड़ी दुश्वारी होगी। ब्रेकिंग डिस्टेंस कि आपने ब्रेक लगाया और गाड़ी कितने फासले पर जाके रुकी, उसको हम ब्रेकिंग डिस्टेंस कहते हैं, तो वो भी थोड़ा ज़्यादा होगा ऑन डाउन हिल स्लोप, क्योंकि आप नीचे जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल इसका पहला ऑप्शन ये आंसर नहीं हो सकता कि द ब्रेक बिकम मोर एफिशिएंट व्हेन नो गियर इज सिलेक्टेड। इसमें इस सूरत हाल में गियर और ब्रेक इसमें कोई कॉम्बिनेशन बनता नहीं है। नीचे जाते हुए ब्रेक गर्म हो सकता है ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से, या आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ सकता है। ब्रेक मोर एफिशिएंट नहीं होगा, इसका ताल्लुक गियर के सिलेक्शन से नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से हेल्प में जाके भी देख सकते हैं कि 10% का ग्रेडियंट है, आप लोगों का ब्रेकिंग डिस्टेंस हो सकता है। अगर आपको मज़ीद कोई डिटेल पढ़नी हो, देखिए इन्होंने बताया हुआ है कि ब्रेक ज़्यादा गर्म हो सकता है, तो फॉर दिस रीज़न अ लोअर गियर शुड बी इंगेज बिफोर द स्टार्ट ऑफ द स्लोप। तो आपने लोअर गियर के अंदर स्लोप शुरू होने से पहले अपनी गाड़ी को डाल देना है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले सवाल के जानेब। वट डू यू डू वैन यू सी दिस ट्रैफिक साइन। आपने ट्रैफिक साइन अगर देखा है तो आपने क्या करना है। सबसे पहले ये रेड ट्राइंगल है, यानी ख़तरे की अलामत है। आप देखिए यहाँ पर अगर आपके पास एक लेन ये है, एक लेन ये है, ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पर दो लेन्स हों, यहाँ पर भी दो लेन्स हों, ये मुमकिन है। तो आपने जब ये साइन देखना है तो आपने क्या करना है। देखिए अगर आपके जाने की दो लेन्स हैं और एक लेन आगे जाकर बंद हो रही है, तो आपने इस लेन में एंटर होना है। उसका एक तरीका होता है, उसको हम कहते हैं ज़िपर फीड मेथड, यानी बिल्कुल वो आप इस तरह समझें कि ज़िप के दानों की तरह, कि जो अगली वाली गाड़ी है वो एक गाड़ी को अलाउ करेगी कि वो उस वो इस लेन में एंटर हो सके। जो जो ये लाइन है जिसमें से पहले गाड़ियाँ चल रही हैं, जबकि ये लाइन आगे जाके सपोज़ करें कि बंद हो रही है, तो इस लाइन की गाड़ियों को इस लेन में आना है। तो इस लेन की हर गाड़ी अपने से इस वाली गाड़ी को अलाउ करेगी, इस तरह डायगोनली कि एक एक गाड़ी हर इस वाली एक गाड़ी को जगा देगी। इस तरह इसको हम ज़िपर फिट मेथड कहते हैं। तो इसमें क्या है कि वेयर देयर आर टू लेन्स इन वन डायरेक्शन एंड यू आर ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट लेन, यू टेक एब्सोल्यूट प्रेसिडेंस। नहीं, देखें अगर आप लेफ़्ट लेन पर जा रहे हैं तो आपकी प्रेसिडेंस नहीं है, आपको बढ़तरी हासिल नहीं है। जो इस लेन में आ रहा है उसने आपकी लेन में आके मर्ज होना है, मिलना है, क्योंकि उसकी लेन आगे जाके ख़त्म हो रही है। तो प्रेसिडेंस आपकी नहीं है, आपने उसको जगह देनी है ज़िपर फीड मेथड के जरिए। इसका आंसर नहीं हो सकता। वैन देयर आर टू लेन्स इन वन डायरेक्शन इम्प्लॉय द ज़िपर फीड मेथड। अगर दो लेन्स हैं वन डायरेक्शन के अंदर और एक बंद होती है, तो आपने ज़िपर फीड मेथड को यूज़ करना है। गिव द प्रेसिडेंस टू ऑन कमिंग ट्रैफिक। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखें आपकी जो लेन है वो ज़िपर फीड मेथड को यूज़ कर रही है, और वहाँ पर जो है आप इस लेन में हैं, जबकि सामने वाली लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधी है। तो आपने उसको आप इसको इस तरह याद रखिए कि ये लाइन बिल्कुल सीधी है, तो इसकी इसको अहमियत हासिल है, इसको प्रेसिडेंस है, बढ़तरी हासिल है, जबकि आपकी जो लेन है जो कि ज़िपर फीड मेथड से मर्ज हो रही है, उसको वो बढ़तरी हासिल नहीं है जो इस वाली लेन को हासिल है। तो गिव प्रेसिडेंस टू ऑन कमिंग ट्रैफिक, वो ट्रैफिक जो सामने से आ रही है आपने उसको जगह भी देनी है और ज़िपर फीड मेथड भी यूज़ करना है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। अगला सवाल आप देखिए, आपने ट्रैफिक साइन देखा, आपको क्या समझ में आना चाहिए। देखिए एक तो सुर्ख ट्राइंगल है, यानी ख़तरे की अलामत, ट्रैफिक जा भी रही है, ट्रैफिक आ भी रही है। इसका मतलब सिंपल ये है कि एरो ट्रैफिक जाने का है और एक ट्रैफिक एरो आने का है, तो मतलब ट्रैफिक दोनों तरफ है, जाने की भी और आने की भी। तो ऑन कमिंग ट्रैफिक, बट आपको क्या पता होना चाहिए ये एरो देख के। एक तो आप ऑन कमिंग ट्रैफिक, सामने से ट्रैफिक आ सकती है, इवन डीजल फ्रॉम द ऑन कमिंग ट्रैफिक एट नाइट। डीजल का मतलब है आपकी आंखें चुंधिया चुंधिया सकती हैं, सामने वाली गाड़ी है उसने अंधेरे में अपनी मेन बीम लाइट ऑन की हुई है, या अपनी डिप हाईलाइट कुछ मतलब आगे की उसने हेडलाइट्स ऑन की हुई है, उससे आप वो सामने से ट्रैफिक आ रही है, क्योंकि इस एरो का मतलब है कि ट्रैफिक का फ्लो है। तो अगर उसने लाइट ऑन की है तो आप चुंधिया सकते हैं, डेजलिंग हो सकती है आपकी। लेकिन यहाँ हम कहीं नहीं देख रहे कि ऑन कमिंग ट्रैफिक की प्रेजिडेंस है, उसको थोड़ी सी कोई बढ़तरी या अहमियत हासिल है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आप देखें दोनों एरो एक जैसे और बराबर हैं। अगर कोई एरो टर्न हो रहा होता या कोई एरो एक साइड पे लाल होता, सुर्ख, हम वो आगे भी देखेंगे, तब
तब समझ में आता है कि एक ट्रैफिक जो सामने वाली ट्रैफिक है उसको प्रेजिडेंस यानी बढ़तरी हासिल है दूसरी ट्रैफिक के मुकाबले में, तो इस वाली ट्रैफिक को रुक के उसको जगह देनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। कोई दोनों एरो बिल्कुल एक जैसे हैं, अपोजिट हैं लेकिन बिल्कुल सेम है, इसलिए यहाँ पर इनकी प्रेसिडेंस का कोई चांस नहीं है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। वट डज़ दिस ट्रैफिक साइन रिक्वायर ऑफ यू? ये ट्रैफिक साइन अगर आप देखें तो आप वो आपसे क्या मांगता है या आपको क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो ट्राइंगल है यानी ख़तरे की अलामत, दूसरा इसमें हम देखें तो कुछ बच्चे गालपन खेल रहे हैं, इसमें ऐसा ही हमें साइन नज़र आता है। तो जब बच्चे खेल रहे हैं हमें बहुत एहतियात करनी है, एक तो हल्की स्पीड चलानी है, गाड़ी को हल्की स्पीड पे चलाना है, ब्रेक लगाने के लिए रेडी रहना है, सारी चीज़ें हमें जहन में रखनी है। रिडक्शन इन स्पीड, स्पीड को कम कर लें। ग्रेट अलर्टनेस, आपको बहुत ज़्यादा होशियार होकर बहुत ज़्यादा निगाह रखकर गाड़ी चलानी है क्योंकि बच्चे अचानक रोड पर सामने आ सकते हैं। रेडीनेस टू ब्रेक, और ब्रेक लगाने के लिए आप फौरन तैयार हों, आपका पैर बिल्कुल ही ब्रेक पर हो के जैसे ही खुदा ना खास्ता के सामने से कोई बच्चा आता है आपको मुमकिना एमरजेंसी ब्रेकिंग करनी पड़ सकती है, तो आप उसके लिए भी फौरन तैयार हों। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल के जाने। देखिए, यू पास दिस ट्रैफिक साइन वाइल ड्राइविंग आउटसाइड अ बिल्डअप एरिया। आप जो आपका बिल्डअप एरिया है, जो शहर है, आप उससे बाहर गाड़ी चला रहे हैं, बुद्धिस्ट्रासा हो सकता है, यूबलांडिस्ट्रासा हो सकता है। हाउ फार इज़ द हज़र्ड टू बी एक्सपेक्टेड? ये साइन आपने देखा, इस साइन का मतलब है ख़तरा। देखिए, एक तो ट्राइंगल है, उसके बीच में ये है, इस साइन का मतलब है ख़तरा। अब ख़तरा किससे है? अगर जो चीज़ होगी तो उन्होंने एक्स्ट्रा साइन ऐड किया होगा, जैसे बर्फ़ का साइन कि ख़तरा आपको बर्फ़ से, जैसे पानी का साइन ख़तरा है आपको पानी से, वो सारे सवाल आगे आएंगे। फ़िलहाल ये जहन में रखिए कि एक ख़तरा है लेकिन कितनी दूर है, हाउ फार। देखिए, इसमें एक लॉजिक है, ये आपको सीधा वन नज़र आ रहा है, इसमें कोई, ये आपको याद करना है, इसमें ऐसा कोई, आप इसको अगर आप समझना चाहें, मज़ीद देखना चाहें तो आप ई बुक के अंदर जाकर, मेरा ख्याल है अभी यहाँ पर कुछ अभी कुछ लोडिंग में एरर है, बहरहाल आप ई बुक के ऑप्शन में, मैंने आपको पिछले वीडियोस के अंदर भी बताया है कि ई बुक के अंदर अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर यह है कि आप इस तरह लॉजिक जहन में रखें कि ये वन है तो ये 150, देखें 150 से 250, या इसके भी शुरू में वन है तो 150 से 250 मीटर के दरमियान आपको ख़तरा हो सकता है। ख़तरा इतना दूर आपसे फासले पर, 150 मीटर से 250 मीटर के फासले तक मौजूद हो सकता है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल में। अब ये देखिए, ये उस साइन का मजीद एक्सटेंशन आ गई कि आप वर्ड मस्ट यू प्रिपेयर्ड फॉर व्हेन यू पास दिस ट्रैफिक साइन, कि जैसे आपने ये साइन देखा आपको क्या जहन में होना चाहिए। देखें, एक तो ये साइन तो खतरे वाला है कि 150 मीटर से 200 मीटर पे ख़तरा है। अब किससे ख़तरा है ये देखिए, ये कुछ विंटर स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं, कुछ लोग स्केटिंग करते हैं, ये उनका साइन है, मतलब ये जो रोड आप यूज़ कर रहे हैं इस पर बर्फ़ हो सकती है क्योंकि इस पर कुछ लोग प्रैक्टिस करते हैं, स्केटिंग करते हैं, मे बी वो किसी विंटर गेम्स के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, उन्होंने किसी इवेंट पार्टिसिपेट करना हो, वो शौकिया भी कर सकते हैं, उनकी हॉबी हो सकती है। तो इसमें क्या है, ये पॉसिबल है कि देयर इज़ अ पैक्ड स्नो और ब्लैक आइस ऑन द रोड वे, कि रोड पे बर्फ़ पड़ी हो क्योंकि बर्फ़ के ऊपर ही इन लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, तो रोड पे बर्फ़ हो सकती है क्योंकि यहाँ पर ये साइन हमें बता रहा है। दिस रोड मे बी यूज़ फॉर विंटर स्पोर्ट्स, बिल्कुल सर्दियों के खेलों के लिए, स्केटिंग के लिए, दूसरे खेलों के लिए ये रोड यूज़ हो सकता है जिसके अंदर बर्फ़ चाहिए। ओनली द पेवमेंट्स आर यूज़ फॉर विंटर स्पोर्ट्स, यहाँ में ऐसा कोई सी यहाँ पर चांस नज़र नहीं आ रहा कि जो पेवमेंट हैं सिर्फ वही विंटर स्पोर्ट के लिए यूज़ होती है। पेवमेंट क्या होती है, मेरी कोशिश थी आपको ई बुक खोल कर दिखाऊँ लेकिन मैं आने वाले सवालों में दिखा दूंगा। एक आपका मेन रोड होता है, उसके साथ में एक छोटी सी लाइन चल रही होती है जिस पर गाड़ियाँ नहीं चलती, वो पेवमेंट कहलाती है, जिसमें आप अक्सर अपनी गाड़ी कच्चे में खड़ी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें कहीं ये बात नज़र नहीं आ रही कि सिर्फ पेवमेंट पर बर्फ़ है, बल्कि मुमकिन है कि पूरे रोड पर बर्फ़ हो, इस लिहाज से आपको मुहतात रहना होगा। हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। व्हाट डू यू डू व्हेन यू सी दिस ट्रैफिक साइन? देखिए, ये ट्रैफिक साइन है जो कि डबल बैंड है, यानी आपने थोड़ा सा राइट होना है फिर आपने स्ट्रेट होना है, मतलब ये बहुत ही एक तरह से टाइट किस्म का बैंड है और ख़तरा है, रेड ट्राइंगल है। तो आपने क्या करना है जब इस साइन देखें, ड्राइव एज फार एज पॉसिबल ओवर ऑन द राइट हैंड साइड, बिल्कुल, क्यों? क्योंकि आपने राइट साइड पे टर्न लेके फिर सीधा होना है डबल बैंड के लिए, इसलिए आप पहले से थोड़ा राइट साइड पे हो जाएं। अगर ये सिंगल बैंड होता ना वो अलग सिनेरियो होता, हम आगे देखेंगे, ये एक तरह का डबल बैंड है, तो आप थोड़ा सा राइट साइड के ऊपर हो जाएं और उसके बाद आपको स्ट्रेट भी जाना है, तो बेहतर ये है कि एज़ फार एज़ पॉसिबल ओवर ऑन द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के ऊपर जितना मुमकिन हो थोड़ा हो जाएं, रिड्यूस योर स्पीड, बिल्कुल, क्योंकि आगे एक शार्प टर्न हो सकता है, तो बेहतर ये है कि अपनी स्पीड भी कम कर लें वरना सामने से आने वाली गाड़ी से टकराव हो सकता है। एक्सीलरेट स्ट्रॉन्गली इमीडिएटली आफ्टर द राइट बैंड, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि राइट बैंड के फौरन बाद आप अपनी स्पीड तेज़ कर लें,
जब रोड स्ट्रेट होगा मुकम्मल, आप देखेंगे मज़ीद आगे बैंड नहीं है, तब आपने एक्सीलरेट करना है, अदरवाइज़ आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। व्हाट डू यू हैव टू एक्सपेक्ट आफ्टर दीज ट्रैफिक साइंस, के आपने ये ट्रैफिक साइन देखा तो क्या एक्सपेक्टेड है। देखिए सबसे पहले तो हम उल्टे हाथ से शुरू होंगे, ये डाउन हिल स्लोप है, एक एक स्लोप है जो नीचे की तरफ जा रहा है, ढलवान है आपकी रोड की नीचे की तरफ। एक और चीज़ ध्यान में रखें, एक्स्ट्रा साइन, जहाँ कहीं भी इस चीज़ के साथ एरो बने हुए आ जाए, समझे वो चीज़ फ़ौरन शुरू हो गई, दस्ती शुरू हो गई। मतलब ये है कि 800 मीटर तक, ये 800 मीटर यहाँ से शुरू हो गया, अगर यहाँ पर एरो ना होता तो हम कह सकते थे कि 800 मीटर के बाद 10% का ढलवान आएगी, रोड नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन जैसे साथ में एरो आ गए, समझे ये दो एरो आ गए, काम शुरू हो गया। मतलब 800 मीटर के फासले तक अब आपका ढलवान शुरू हो चुकी है। इन्होंने लिखा हुआ है आर डाउन हिल स्लोप 800 मीटर इन लेंथ, बिल्कुल ये स्लोप 800 मीटर तक चलेगा, शुरू हो गया फ़ौरन, 800 मीटर उसकी लेंथ है। एंड अपहिल स्लोप, ये अपहिल स्लोप नहीं है, आपने हमेशा उल्टे हाथ से शुरू करने, अगर यहाँ से ही ऊपर की तरफ जाता तो अपहिल स्लोप होता, ये यहाँ से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ये क्या है, डाउन हिल स्लोप। द बिगिनिंग ऑफ डाउन हिल स्लोप 800 मीटर अहेड, ये आंसर तब होता जब ये दो एरो यहाँ से गायब होते, अगर एरो गायब होते स्लोप होता और 800 मीटर लिखा होता तो हम कहते हैं कि 800 मीटर के बाद डाउन हिल स्लोप शुरू हो रहा है, लेकिन चूंकि एरो आ गए हैं तो डाउन हिल स्लोप शुरू हो चुका है जो कि 800 मीटर लंबा है, ये बात आप जहन में रखें, ये आंसर भी इसका नहीं है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। ये देखिए, व्हाट डू यू डू व्हेन यू सी दिस ट्रैफिक साइन, आप देखिए ये अपहिल स्लोप आ गया, उल्टे हाथ से शुरू हूँ ऊपर की जानिब जा रहे हैं, ये अपहिल स्लोप है, आपकी ढलवान ऊपर की ढलवान नहीं है, ये आप बुलंदी पर चढ़ रहे हैं 12%, एक मैथमेटिकल फैक्टर है, इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल मैंने आपको बता दिया कि 12% का इसके अंदर उतार है, चढ़ाव है। अच्छा, सो इसमें क्या है कि ब्रेक सो डैट योर स्पीड विल नॉट इंक्रीज टू मच ऑन द डाउन हिल स्लोप, पहली बात ये डाउन हिल स्लोप है ही नहीं, ये अप हिल स्लोप है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। चेंज टू अ हायर गियर इन ऑर्डर टू मेंटेन योर स्पीड, नहीं, आप जब भी स्लोप पे चढ़ते हैं आपको गाड़ी की ज़्यादा ताकत चाहिए होती है, अगर आप एक इंसान भी हैं, आप चढ़ाई पे जा रहे हैं, आपको ज़्यादा ताकत चाहिए, तो आपको पता है गाड़ी अपना पिक उठाती है लो गियर के साथ, तो आप हाई गियर पे ना जाएं, चेंज डाउन गियर, लो गियर पे आ जाएं अगर ज़रूरी हो चढ़ाई के हिसाब से, तो इसलिए इसका यही एक आंसर है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। ये अगले सवाल को देखिए, रेड ट्रायंगल हमेशा जहन में बिठा रही है, ख़तरे की अलामत है, और ये शो कर रहा है कि रोड के ऊपर कुछ टूट फूट का शिकार है, रोड के ऊपर कुछ पैचेस हैं, कुछ ऐसे पैचेस हैं जो कि टूट फूट का शिकार हैं, मतलब रोड के ऊपर आप आपकी गाड़ी को ख़तरा हो सकता है, आप ज़्यादा अगर तेज़ चलाएंगे तो ठक ठक की आवाज़ आ सकती है, कोई मसला हो सकता है। तो देखिए, अवॉइड द एन इवन पैचेज बाय मेकिंग सडन स्टीयरिंग व्हील मूवमेंट, इस साइन का मतलब ये है कि आप अगर आपकी रोड पे कुछ ऐसी ख़राब जगह आएँ तो आप जल्दी जल्दी गाड़ी को स्टीयरिंग घुमा के उनसे बचें, नहीं, अगर आप ऐसे गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाएंगे, सडन स्टीयरिंग व्हील मूवमेंट्स करेंगे, तो बहुत मुमकिन है कि आप सामने वाले आने वाली गाड़ी से टकरा जाएं या पीछे वाली गाड़ी से टकरा जाएं, तो आपने ऐसा नहीं करना। रिड्यूस योर स्पीड, बिल्कुल अपनी स्पीड को आपने कम करना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा स्पीड पे करेंगे तो गाड़ी को धक्के लग सकते हैं, गाड़ी को बिल्कुल अप थ्रस्ट टाइप का या ऊपर नीचे वो हो सकती है, तो ना तो आपने बहुत तेज़ी से स्टीयरिंग को घुमाना है, क्योंकि स्टीयरिंग आपके कंट्रोल से बाहर हो सकता है, आप किसी टुकड़े पे टकरा के, किसी रोड की ख़राब जगह पे टकरा के अपनी लेन से बाहर जा सकते हैं, जो कि ख़तरे की अलामत है। तीसरा, इंक्रीज योर स्पीड, नहीं, स्पीड बिल्कुल नहीं बढ़ानी, स्पीड बढ़ाने से आपको धक्के लग सकते हैं, पैचेस के ऊपर मसला हो सकता है, इसका ये एक ही ऑप्शन है। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे। व्हाट डेंजर्स कैन अराइज इफ दिस ट्रैफिक साइन इज इग्नोर्ड, बिल्कुल अगर आपने इस ट्रैफिक साइन को ना महसूस किया, ये रोड शुरू होने पे आ गया कि इतने टाइम के बाद, इतने इतने मीटर के बाद या इतने किलोमीटर पे या इतने किलोमीटर के लिए ये रोड ख़राब है, अगर आपने इग्नोर कर दिया, नज़रअंदाज किया, तो क्या हो सकता है। द व्हीकल कुड सफर अ ब्रोकन एक्सल और स्प्रिंग फ्रैक्चर, जो आपकी गाड़ी का स्प्रिंग सिस्टम है, तो उसका एक्सिल सिस्टम है, फ्रंट अगले पहियों का एक्सिल है, पिछले पहियों का एक्सिल है, वो टूट सकता है, क्योंकि आप ये बीच में गड्ढे पड़े हुए हैं, गड़े हैं रोड के अंदर। द व्हीकल कुड गो इनटू अ स्किड एंड इंडेंजर ऑनकमिंग ट्रैफिक, वही कि गाड़ी आपके कंट्रोल से बाहर हो सकती है, स्किड मतलब बिखर के आगे पीछे हो सकती है, आपके कंट्रोल से बाहर हो सकती है, और ऑनकमिंग ट्रैफिक आने वाली ट्रैफिक के लिए खतरे का बाइस बन सकती है। द लोड कुड बी डैमेज, अगर आपकी गाड़ी पे लोड पड़ा है और आपकी गाड़ी को झटके महसूस हो रहे हैं इस रोड के ऊपर, क्योंकि इसमें रोड में थोड़े गड्ढे मौजूद हैं, तो जो लोड अगर सेंसिटिव लोड है
उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम मौजूद हो सकता है या कोई भी लोड जो कि धक्के लगने से तबाह हो जाए वो मौजूद हो सकता है, तो उसको भी खतरा होगा ही। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। व्हाट डज दिस ट्रैफिक साइन वार्न यू ऑफ? इस ट्रैफिक साइन को देख के आपको क्या समझ में आता है? देखिए, ये ट्रैफिक साइन है, एक तो खतरे की अलामत है, रेड ट्राइंगल, गाड़ी फिसल सकती है। कब? जब रोड गीला हो, गंदा हो या कोई भी मसला हो सकता है। ये देखिए, डेंजर ऑफ स्किडिंग, फिसलने का खतरा है, व्हेन द रोड वे इज डर्टी, जब रोड गंदा है, बिल्कुल मिट्टी पड़ी हुई है। आप किसी ऐसे एरिया से जा रहे हैं जो कि गाँव देहातों में है और वहाँ पर फार्म हाउस वगैरह, मवेशी फार्म वगैरह भी हैं और मिट्टी रोड पर है, आप फिसल सकते हैं। ड्राइवर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, यहाँ हमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा कि ये अल्कोहल की कोई अलामत है कि ड्राइवर अल्कोहल से फिसल गया, वरना उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा अल्कोहल का साइन बनाया होता, ये यहाँ पर नहीं है। डेंजर ऑफ स्किडिंग व्हेन द रोड वे इज वेट, जब रोड गीला हो तब भी आप फिसल सकते हैं, गंदा होने पर, क्योंकि देखिए ये पानी भी हो सकता है और ये मिट्टी भी हो सकती है, दोनों सूरतों में आपकी गाड़ी फिसल सकती है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। व्हाट डू यू डू व्हेन यू सी दिस ट्रैफिक साइन, आपने ट्रैफिक साइन देखा तो क्या होगा? देखिए, दो रोड हैं और दोनों ही आगे जाके तंग हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि या तो इनकी लेंस ख़त्म हो रही है या ये रोड आगे जाके तंग हो रहे हैं, बिल्कुल बंद हो रहे हैं। तो ये अब आपके लिए ख़तरा है कि अगर रोड तंग हो रहे हैं, सामने से भी ट्रैफिक आ रही है ये वाली और आपकी ट्रैफिक जा रही है, तो आप क्या एहतियात करनी है? ऑलवेज स्टॉप बिफोर द रोड नैरोस, आप हमेशा जो है रोड जहाँ नैरो हो रहा है उससे पहले रुकें, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। आप अपनी स्पीड कम कर लें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल उस नैरो रोड के ऊपर रुक जाएं, सामने से आने वाली गाड़ी को मसला हो, ये आंसर इसका नहीं हो सकता। रिफ्रेन फ्रॉम ओवरटेकिंग, चूँकि रोड तंग हो रहे हैं, रोड मर्ज हो रहे हैं, लेंस कम हो रही हैं, रोड जुड़ रहे हैं, जगह कम हो जाएगी, तो ओवरटेकिंग से आप परहेज़ करें, या आपको खुद ये बात समझनी होगी। दूसरा, रिड्यूस योर स्पीड, अपनी रफ्तार को कम कर लें, क्योंकि अगर आप तेज़ी से जाएंगे तो ये रोड आगे जाके तंग होते नज़र आ रहे हैं, यहाँ से भी तंग हो रहे हैं, यहाँ पर भी तंग हो रहे हैं, तो अपनी स्पीड को कम कर लें ताकि आने वाले ख़तरे से बच सकें। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। आप ये सवाल देखें, व्हाट मस्ट यू रेकन विद व्हेन यू सी दिस ट्रैफिक साइन, तो आप देखिए ये तो आपको पता है कि रोड नैरो हो रहे हैं, तंग हो रहे हैं, ये हमने पिछला सवाल भी देखा। कब? 50 मीटर के बाद। अगर यहाँ पर दो एरो होते तो ये 50 मीटर तक, यानी फ़ौरन शुरू हो गया और 50 मीटर तक ये रोड तंग ही रहेंगे। यहाँ पर चूंकि एरो नहीं है, इसका मतलब ये है कि 50 मीटर के बाद ये रोड तंग हो रहे हैं। द रोड नैरोइंग फॉर 50 मीटर, 50 मीटर के लिए नहीं, 50 मीटर के बाद। अगर यहाँ पर एरो होते तो 50 मीटर के लिए, इसी पॉइंट से फ़ौरन शुरू हो गया और 50 मीटर तक रोड नैरो, लेकिन चूंकि यहाँ पर हमें एरो नज़र नहीं आ रहे तो ये 50 मीटर के लिए नहीं बल्कि अ रोड वाइडनिंग, बहरा रोड खुल तो नहीं रहा, ये वाइडनिंग से मुराद रोड चौड़ा, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। द रोड वे नैरोइंग अप्रोक्सीमेटली 50 मीटर अहेड, 50 मीटर के बाद रोड वे नैरो हो रहे हैं, यानी तंग हो रहे हैं, ये इसका जो दुरुस्त आंसर है। वाइडनिंग का मतलब होता है रोड खुल रहे हैं, चौड़े हो रहे हैं, तो हम तो देख रहे हैं कि रोड तंग हो रहे हैं, और कब? 50 मीटर के बाद, 50 मीटर के लिए नहीं, अगर एरो होता तो 50 मीटर के लिए होता, अब 50 मीटर के बाद इसका जवाब है। तो अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट मस्ट यू रेकन विद व्हेन यू सी दिस ट्रैफिक साइन, ये देखिए रोड के ऊपर आपने देखा कि एक बंदा है वो काम कर रहा है, यानी बॉस ट्रेलर लगा हुआ है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कोई तामीर मुरम्मत का काम चल रहा है, तो क्या हुआ? आपने क्या करना चाहिए? ट्रैफिक फ्रॉम रोड कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स, बिल्कुल रोड के ऊपर ये जो लोग काम करने वाले हैं इनकी गाड़ियाँ हो सकती हैं, उसमें बजरी, रेती, दूसरे उनके आलात हो सकते हैं। मैन एट वर्क ऑन द रोड वे, बिल्कुल रोड के ऊपर वो लोग हो सकते हैं जो भी काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं बॉस ठेले पे, कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑन द रोड वे, इवन ये भी मुमकिन है हत्ता कि आपके रोड का जो आपका जो इसका आपने जो कंस्ट्रक्शन का काम करना है, जो आपने तरक्याती कोई काम करना है या आपने कुछ कोई रोड वगैरह की मुरम्मत करनी है, उसका मटेरियल, उसका सारा माल वगैरह, वो सब रोड पर बिखरा हो, ये भी मुमकिन है। ये सब आपको जहन में रखना होगा इस साइन को देख कर। अगले सवाल पर चलते हैं। व्हाट मस्ट यू रेकन विद व्हेन यू सी दिस ट्रैफिक साइन, ये साइन दिखती है, ट्राइंगल रेड है, खतरे की अलामत, और ये साइन बता रहा है कि आगे जाके ट्रैफिक जो है वो ट्रैफिक कंजेशन, मतलब ट्रैफिक जैम होने का खतरा है, तो आपने क्या करना है? देखें, ट्रैफिक कंजेशन, कंजेशन का मतलब ये होता है कि ट्रैफिक तंग हो रही है, जैम की तरफ, ट्रैफिक जाम हो सकती है, एक गाड़ी एक दूसरे से बहुत करीब करीब फासले पे हैं और तंग हो गई हैं। द व्हीकल ड्राइविंग इन फ्रंट मे सडनली ब्रेक, ये बिल्कुल हो सकता है कि गाड़ी आपके आगे जा रही है, वो देखे कि सामने ट्रैफिक जैम है तो वो फ़ौरन से ब्रेक करे, ये भी मुमकिन है। द रोड वे वाइडन्स इंटू 3 लेन्स, ये हमें कहीं से नज़र नहीं आ रहा है कि रोड वे एक लेन से 3 लेन में कन्वर्ट हो रहा है, लेन्स खुल रही हैं, ये इसके जवाब नहीं हो सकता, इसके सिर्फ वो दो ही ऑप्शन हैं।
हमारा अगला सवाल है कि ये साइन आपको क्या बताता है। देखें, ये साइन आपको क्या बताता है, ये वो साइन है, अगर आप देखें आपको किसी कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से ट्रैफिक साइन क्लियर ना हो तो तब ये अक्सर वो साइन लगा देते हैं कि ट्रैफिक ही है, कि आगे सिग्नल है, वो सिग्नल आपको पहले नज़र ना आए। आप देखें ये एक पॉइंट है, इस पर उन्होंने एक साइन लगाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि आगे ट्रैफिक सिग्नल मौजूद है जो कि अभी नज़र नहीं आ रहा किसी वजह से। तो ये कस्टम पोस्ट नहीं, अ लेवल क्रॉसिंग विथ फ्लैशिंग रेड लाइट नहीं, ये ट्रैफिक लाइट का ही, आप देख लें, वैसे भी ट्रैफिक लाइट का ही सिंबल है, लाल पीला और हरा। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल की जानिब। व्हाट डू दिस ट्रैफिक साइन इंडिकेट, ये ट्रैफिक साइन क्या बताता है, इसका मतलब ये है, देखें एक तो खतरा है रेलवे लाइन से, ये रेड ट्रायंगल और रेलवे, रेल से खतरा है, किस तरफ, सीधी तरफ, आप जैसे सीधे हाथ पे मुड़ेंगे वहाँ एक रेलवे लाइन मौजूद है, वेरी सिंपल। आर डाइवर्जन अवॉइडिंग द रेल क्रॉसिंग, ये बता रहे हैं कि आप सीधे हाथ पे मुड़ जाएंगे तो रेल क्रॉसिंग से बच जाएंगे, ये इसका मतलब नहीं है। यहाँ पे लाल ट्रायंगल है और एडिशनल साइन, एक एक्स्ट्रा साइन दिया हुआ इन्होंने, इजाफी साइन, कि आपको ट्रैफिक से खतरा है, रेल ट्रैफिक से, किस तरफ, सीधे हाथ की तरफ। डाइवर्जन का मतलब होता है कि आपने मुड़ना है, आप रेलवे क्रॉसिंग से बच सकते हैं अगर आप सीधे हाथ पे मुड़ जाए, नहीं। आर रेवल लेवल क्रॉसिंग ऑन द रोड टर्निंग राइट, अगर राइट पे मुड़ेंगे तो वहाँ लेवल क्रॉसिंग यानी रेलवे की लाइन मौजूद है, ये आंसर इसका दुरुस्त है। आर डायरेक्शन फ्रॉम विच अ ट्रेन कुड कम, ये ट्रेन की डायरेक्शन भी नहीं है, आप सीधे हाथ पे मुड़ेंगे तो वहाँ पर आपको क्लियर होगी कि ट्रेन की पटरी किस तरफ जा रही है, ये साइन बहरहाल ये नहीं बताता कि सीधे हाथ से ट्रेन आ रही है, वरना इसका साइन किसी और तरफ होता है, ये बता रहा है कि आप सीधे हाथ पे मुड़ेंगे तो खतरा है, किससे खतरा है, रेलवे की लाइन से, इसका यही एक आंसर है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। ये देखिए, व्हाट डज दिस ट्रैफिक साइन इंडिकेट, ये ट्रैफिक साइन तो आप ध्यान में बिठा लें कि रेलवे क्रॉसिंग के लिए होता है, इसकी हर एक लाइन 80 मीटर की होती है, कि 80 मीटर बाद रेलवे क्रॉसिंग है, या दो लाइन है तो 160 मीटर, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, आपको रट्टा लगाना होगा या आपको याद करना होगा, अगर आप चाहें तो वो ई बुक में जाकर वहाँ अवेलेबल है चीज़ चेक कर सकते हैं, लेकिन हर एक लाइन 80 मीटर की, ये याद रखें, चूँकि दो लाइनें हैं तो कितना होगा, 80 जमा 80, अ लेवल क्रॉसिंग 160 मीटर अहेड। अगले सवाल पर चलते हैं, देखें लेवल क्रॉसिंग एक है तो 80 मीटर, एक लाइन 80 मीटर की, दो 160 की और तीन 240 की, ये या आपको याद करना है, इसमें कोई लॉजिक या हिकमत नहीं है। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर, तो ये देखिए यहाँ पर खतरा है किससे, रेलवे लाइन से, और कितनी दूर, तीन लाइनें हैं, 80 जमा 80 160 जमा 80 240, 240 मीटर के ऊपर एक रेल क्रॉसिंग आपको नजर आएगी। अब चलते हैं हम अपना अगले सवाल की जानिब। व्हाट डू यू हैव टू बी अवेयर ऑफ व्हेन यू सी दिस ट्रैफिक साइन कॉम्बिनेशन, जब आप ये ट्रैफिक साइन देखें इसका क्या मतलब है, 240 मीटर दूर एक रेलवे क्रॉसिंग आ रही है, इसका सिंपल ये मतलब है, अ रेल क्रॉसिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 240 मीटर, नो ओवरटेकिंग ऑफ व्हीकल्स परमिटेड। अब ये बात भी जहन में रखें कि जैसे ही आप देखेंगे आपके 240 मीटर या 500 मीटर की रेंज में रेलवे ट्रैफिक आने लगी है तो उससे पहले ओवरटेकिंग से बच जाएं, अवॉइड करें, उसको परहेज करें, इसके आगे भी सवाल आने वाले हैं, तो आपने रेलवे जैसे ही साइन देखने आपने ओवरटेकिंग का ख्याल छोड़ देना है, रेलवे लाइन क्रॉस करने के बाद रोड जैसे ही खुलेगा आप ओवरटेक कर लें, लेकिन आपने ओवरटेक नहीं करना। ये कह रहे हैं 120 मीटर ही पॉसिबल ही नहीं है, आपको पता है एक लाइन ही 80 मीटर की है, तो तीन हो गई मिलके 240 मीटर की। अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल। अच्छा, व्हाट अवेट्स यू, आपका क्या इंतज़ार कर रहा है जब आपने ये साइन देखा। देखिए 100 मीटर के बाद ये तो खतरे की अलामत है, रेड ट्रायंगल, कोई तरक्याती काम हो रहा है, कोई तामीर मुरम्मत का काम हो रहा है 100 मीटर के बाद। अगर यहाँ पे एरो होता उसका मतलब ये होता कि 100 मीटर के लिए काम शुरू हो गया, 100 मीटर तक काम चलेगा, उसके बाद वो ख़त्म, लेकिन इसका मतलब है कि 100 मीटर, अब एरो नहीं है, मतलब है 100 मीटर के बाद कोई काम हो रहा है। तो देखिए, अ वर्क साइट इज़ अप्रोक्सीमेटली 100 मीटर इन लेंथ, नहीं, अगर यहाँ पे एरो होता ना फिर ये आंसर दुरुस्त होता कि 100 मीटर के लिए वर्क साइट शुरू हो गई है, काम शुरू हो गया है, यहाँ एरो नहीं है, इसका मतलब है 100 मीटर के, जब एरो ना हो मतलब है 100 मीटर के बाद, अ वर्क साइट कमेंसिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 100 मीटर, बिल्कुल एक वर्क साइट, एक काम जो कि शुरू हो रहा है तकरीबन 100 मीटर के बाद, ये इसका दुरुस्त आंसर है। अ वर्क साइट एंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 100 मीटर, नहीं, ये भी इसका नहीं हो सकता, अगर यहाँ पे एरो होते तो हम कहते हैं कि 100 मीटर की रेलवे की कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया 100 मीटर के लिए, 100 मीटर के बाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ एरो नहीं है तो हमें सिर्फ इसका ये एक ही दुरुस्त जवाब है। जी, तो अगला सवाल है, यू पास बाय दिस ट्रैफिक साइन कॉम्बिनेशन एट एन आउटसाइड टेम्परेचर ऑफ +3 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट शुड यू डू। देखिए
आपको मैंने याद है ये बताया था कि 150 से 250 मीटर के दरमियान इस साइन से खतरा है। किससे खतरा है? एडिशनल, ये बर्फ़ का साइन है, यानी आपके आगे बर्फ़ से खतरा है। तो जब बर्फ़ होती है तो आपने अपनी स्पीड को कम करना होता है। आई इमीडिएटली रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन मी एंड द व्हीकल इन फ्रंट, कि मैं इस साइन को देखते ही अपना और अगली गाड़ी के दरमियान फासला कम कर दूँ। नहीं, फासला तो आप कम करना ही नहीं है, क्योंकि आगे बर्फ़ है। अगर आप ब्रेक लगाएंगे तो देर से ब्रेक लगेगा, हो सकता है अगली गाड़ी से टकराव हो जाए। फासला बढ़ाना है, कम नहीं करना। आई रिड्यूस माई स्पीड, स्पीड कम कर लेनी है, कि अगर आप बर्फ़ को देखें तो ये ना हो कि आप फिसल जाएं। तो बेहतर है आपकी गाड़ी ना फिसले, आप अपनी स्पीड को कम कर लें। आई कंटिन्यू ड्राइविंग एज बिफोर बिकॉज देयर इज़ नथिंग टू इंडिकेट स्लिपरी आइस। नहीं, बिल्कुल यहाँ पर है कि एक आइस है, जब आइस रोड पर है तो स्लिपरी हो सकती है, तो बस आपने अपनी स्पीड ही कम करनी है, यही इसका दुरुस्त जवाब है। आगे चलते हैं, ये साइन का मतलब क्या है? देखिए, इस साइन का मतलब ये है कि एक रेल क्रॉसिंग है, आप आगे रेल की पटरी मौजूद है, ये साइन का मतलब है। ट्रेन स्टेशन नहीं, ट्रेन स्टेशन का साइन अलग होता है, एक रेल क्रॉसिंग है। रेल अंडरपास, अंडरपास का मतलब कि बिल्कुल वो रेल जो कि ज़मीन के नीचे से गुजरती है, यहाँ भी हमें कोई सिंबल नज़र नहीं आ रहा, वरना इन्होंने एक्स्ट्रा कोई साइन ऐड किया होता। ये सिंबल, ये सिंपल है, एक रेलवे क्रॉसिंग यानी रेलवे की लाइन। अगला सवाल देखते हैं, व्हाट मस्ट यू एंटिसिपेट विद दिस रोड साइन। जब ये साइन देखें तो आपको क्या समझना चाहिए फ़ौरन से? देखें, ये एक शार्प बैंड है जो कि सीधे हाथ पे जा रहा है। शार्प बैंड है, आपको अपनी स्पीड तो कम करनी होगी क्योंकि शार्प है काफ़ी, और सामने से ट्रैफिक आपकी तरफ भी आ सकती है, जो कि ऑन कमिंग सामने से आने वाले ट्रैफिक आपसे टकरा सकती है। तो देखें, व्हीकल इन फ्रंट ऑफ मी माइट स्लो डाउन शार्पली। हम मुझे ये समझना चाहिए कि जैसे ये बैंड आएगा, जो मेरे आगे गाड़ी चल रही है वो अपनी स्पीड कम करेगी। बिल्कुल आपको भी कम करनी है, उसको भी कम करनी है, क्योंकि ये आगे शार्प बैंड, एक बहुत ही तेज़ किस्म का एक टर्न आ रहा है, आपको घूमना है, आपको सीधी जानिब जाना है। ऑन कमिंग ट्रैफिक माइट कट द कॉर्नर, बिल्कुल मुमकिन है कि सामने से आने वाली ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल आपकी तरफ आ जाए, कॉर्नर को कट करते हुए आपके लेन में आ जाए, ये मुमकिन है। यू आर नेरिंग अ हार्ड राइट हैंड बैंड, बिल्कुल आप सीधे हाथ की तरफ, एक बहुत ही शार्प बैंड है, बहुत ही एक एक आपने मुड़ना है सीधे हाथ की तरफ, जो कि बहुत ही शार्प किस्म का है, जो काफ़ी ज़्यादा टर्न ले रहा है। यू आर नेरिंग, आप उसके करीब जा रहे हैं, जो कि अ हार्ड राइट हैंड बैंड है। अब अगला सवाल है, देखिए इस सवाल में आपको नज़र आ गया कि ख़तरा है ट्राइंगल, किससे है? साइकिल से। तो देखें, व्हाट मस्ट यू एंटिसिपेट, आपको क्या समझना है, किस चीज़ की इदराक होना चाहिए जब इस साइन को देखें? विद साइकिलिस्ट हु मे क्रॉस द कैरिज वे, बिल्कुल ये साइकिलिस्ट हो सकते हैं, जो कि कैरिज वे का मतलब होता है रोड, कुछ साइकिलिस्ट हो सकते हैं जो कि रोड क्रॉस कर सकते हैं, तो आपने मुहतात रहना है। ये ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पर हो सके कि आप साइकिलिस्ट को इग्नोर कर दें, हो सकता है, इसलिए इन्होंने अलग से साइन डाला है कि साइकिलिस्ट यहाँ से रोड क्रॉस कर सकते हैं, करने की शायद जगह ना हो लेकिन मुमकिन है कि करते हों। विद अ साइकिलिस्ट प्रोहिबिटेड जोन, नहीं, ये रेड ट्राइंगल कभी भी खतरे की अलामत नहीं होता। जो रोड जहाँ आपको प्रोहिबिशन होती है, जहाँ मना होता है, वो अलग से हम साइन आके देखेंगे इसी सिलसिले में, लेकिन ये खतरे की अलामत है। तो ये ऐसे ये पूछ रहे हैं कि यहाँ साइकिल को आना मना है, नहीं, इस साइन से ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। विद एन अंडर पास फॉर साइकिलिस्ट, कि साइकिलिस्ट बिल्कुल ज़मीन के नीचे से गुजरेंगे अंडर पास, ये भी यहाँ साइन में ऐसा कुछ मौजूद नहीं है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे, व्हाट मस्ट यू व्हेन मस्ट यू वेट एट दिस ट्रैफिक साइन। देखिए, इसको हम लोग सैन एंड्रियास क्रॉस भी कहते हैं, जहन में नाम बिठा लें, सैन एंड्रियास क्रॉस, ये काफ़ी दफ़ा आएगा, इसका ताल्लुक है रेलवे की लाइन से। जब भी रेलवे की लाइन आएगी, आपने इसके ऊपर रुक के इंतज़ार करना है, या सिग्नल के साथ रुक कर इंतज़ार करना है कि रेलवे की लाइन, रेल जाए फाटक या वो खुले और आप इससे आगे जाएँ। तो आपने इस ट्रैफिक साइन पे कब वेट करना है? व्हेन द लेवल क्रॉसिंग कैन नॉट बी क्रॉस विदाउट हैविंग टू स्टॉप ऑन इट, तब वेट करना है जब अगरचे फाटक खुला हुआ है, लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी लेके एंटर होंगे तो आगे ट्रैफिक जैम है, हो सकता है कि आपको रेल की बिल्कुल लाइन के ऊपर रुकना पड़े। लेवल क्रॉसिंग कैन नॉट बी क्रॉस विदाउट हैविंग टू स्टॉप ऑन इट, आपको रेल की लाइन पर रुक के फिर आप आगे जाएँ, कुछ देर रुकना पड़े, ये ख़तरा है, क्योंकि हो सकता है कि ट्रेन वहाँ से आ जाए, फाटक बंद होना शुरू हो जाए। तो आपको इस साइन पर रुक के इंतज़ार करना है, जैसे ही आगे ट्रैफिक क्लियर होगी, फाटक खुलेगा, आपको लगेगा कि आप ट्रैफिक में नहीं फंसेंगे, सीधा चले जाएं। व्हेन अ रेलवे एम्प्लॉय इज़ वेविंग अ वाइट रेड वाइट फ्लैग, ये भी हम देखेंगे कि एक रेलवे का एम्प्लॉय है, वो झंडा ले रहा होगा इस लाइन, रेलवे लाइन के सामने, मतलब ये खतरे की अलामत है। इसके आगे 4 से 5 सवाल आने हैं, तो तब भी आपको इस सैंड एंड्रियास क्रॉस के ऊपर रुक कर इंतज़ार करना है। व्हेन अ रेल व्हीकल इज़ अप्रोचिंग, जब रेल की व्हीकल आ रही है, फाटक बंद है,
ये भी साइन उससे तकरीबन कुछ फासले पे लगा होगा, आपने यहीं पर रुक कर इंतज़ार करना है कि जैसे ही रेल चली जाए, फाटक खुल जाए, तब आप जाएंगे। तो ये बहुत अहमियत का हामिल है सैन एंड्रियास क्रॉस, तो इसका ये आंसर भी है।